वेलकम, मैं हुसाक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि साल 2020 में कोरोना का नुकसान उठाने के बाद इस साल फिल्म इंडस्ट्री के हालात सुधरने की उम्मीद थी, मगर मार्च में कोरोना वायरस पैंडमिक की दूसरी लहर ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है। खासकर महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की अप्रत्याशित बढ़ोतरी की वजह से फिल्म कारोबार प्रभावित होने के आसार बनने लगे हैं। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 81,000 से अधिक नए मामले निकले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र के हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में कोविड-19 की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। और कोविड-19 की रफ्तार को थामने के लिए महाराष्ट्र सरकार एहतियातन कड़े कदम उठा सकती है। इनमें प्रदेश में लॉकडाउन भी संभावित है और अप्रैल मई में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में अप्रैल की बात करें तो 23 तारीख को कंगना रनावत की फिल्म थलाई भी रिलीज होने वाली है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कंगना ने साफ कर दिया है कि उनकी फिल्म तय तारीख पर ही आएगी। इसके एक हफ्ते बाद 30 अप्रैल को अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा घरों में आने वाली है। अभी तक तो इसकी रिलीज टलने की कोई सूचना नहीं है। इस फिल्म को दर्शकों और थिएटर मालिकों को काफ़ी इंतज़ार है। हालांकि मई में जिन दो बड़ी फिल्मों का इंतज़ार है, उनमें सलमान खान की राधे या मोस्ट वांटेड भाई और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 शामिल है, जो 13 मई को सिनेमा घरों में आएगी। अब देखना यह है कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।